ये आ गया भाई अपना बोनेट का पार्ट है जो, मगर ये जो चीज है ना इसकी, ये हम लोग चेंज करेंगे। ये अभी 1.5 इंची की पाइप है, हम 2.5 इंची की लगाएंगे। ऐसा दिखता है शॉकर ब्लॉबर आपको फॉर्च्यूनर के लिए। ये देखो गाइस 59 इंच, तो जो एक्सल है ना वो बाहर आ जाएगा। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, आप आ चुके हैं एक और वीडियो में। आज फिलहाल हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं जलंधर से, तो सीधा चलते हैं लोकेशन पे और वहां से आपको सीन दिखाते हैं। और भाई सब आगे से अभी फिलहाल अपनी लोकेशन पे और आपको मिलवाते हैं अंदर बंदों से, देखते हैं क्या रिपोर्ट है, क्या आगे की। लॉन्ग टाइम नो सी, ठीक हो? बढ़िया, क्या चल रहा है? वेलकम बैक, वेलकम बैक। तो भाई साहब अभी देखते हैं क्या सीन बनने वाला है। और भाई साहब एक हमें बहुत स्पेशल पार्सल आया है, वो आया है ARC की तरफ से। तो इसके अंदर क्या है इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये फॉर्च्यूनर न्यू फॉर्च्यूनर, तो ARC न्यू फॉर्च्यूनर। बाकी आप आगे खुद सोचो, बाकी एक मिनट में तो आपको खोल के दिखाई देंगे हम। ओके ओके, तो चलो भाई ARC का सस्पेंशन आ गया फाइनली अपनी लेजेंडर के लिए। एंड देख सकते हो भाई दिव्यांशु भाई, इसको खोलना जरा एक बार, देखते हैं कितना लंबा निकलता है। तो भाई साहब अब इसकी राइड क्वालिटी कैसी होगी ये तो हमें जम्मू जाके पता चलेगा, बट ये शॉक एब्जॉर्बर आगे ये बड़ा काफ़ी है, इसका ट्रैवल भी लंबा है मुझे लगता है। नाइस नाइस नाइस। तो भाई साहब ये आ गया फॉर्च्यूनर का सस्पेंशन। इन्होंने बोला था यार कि इसका जो सस्पेंशन है ना वो खाली पीछे वाला ही चेंज करना है, आगे वाला सस्पेंशन ठीक है, बाकी इसका वेट भी सही है। और मतलब ना फील आ रही है यार इसमें पकड़ के, तो सारे जाके ARC सस्पेंशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ARC से बड़ा वाला सामान कब आ रहा है? बड़े वाला सामान जल्दी आ रहा है। तो और वहाँ से स्वास्तिक फैब से? स्वास्तिक फैब से राउंड अबाउट नेक्स्ट वीक ट्यूसडे तक। चलो भाई। और भाई साहब दिव्यांशु भाई ने बताया ये क्या है, गैस शॉक है? गैस नाइट्रॉक्स गैस शॉक। ओके, तो ये कैसे पता चलता है गैस है कि हाइड्रोलिक है? अपने आप रिटैक्ट हो जाते हैं बाहर की तरफ, और जो ऑयल वाले होते हैं वो वही रहते हैं। ओके नाइस। तो हे गाइस गेट रेडी टू लेवल अप योर गेमिंग और जीते दुनिया की नंबर वन गेमिंग ऐप जो की है परिमैच, जो की वर्ल्ड के सभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंड क्रिकेटर्स की है पहली पसंद। इस पे प्लेटफॉर्म पे आपका जो इंटरफेस मिलेगा आपको बहुत यूजर फ्रेंडली और इजी मिलेगा। इस पे आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारे गेम्स लाइक अंदर बाहर, लाइटनिंग रोलेट या फिर स्पिन। यहाँ पे गेम खेल के आप विन कर सकते हो ढेर सारे पैसे एंड और प्राइजेस। एंड परी मैच पे आपको देखने को मिलता है डिफरेंट डिपॉजिट मेथड लाइक UPI, क्रिप्टो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। एंड यहाँ पे आप मिनिमम 300 रुपीज तक डिपॉजिट करके गेम खेलना स्टार्ट कर सकते हो एंड मैक्सिमम बोनस विन कर सकते हो 20,000 रुपए तक का। एंड गाइस वन मोर थिंग, परी मैच आप सबको दे रहा है बेट बोनस, प्ले 5 bets एंड गेट फ्री बेट वर्थ ₹150। एंड इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है लिंक, डाउनलोड करो लिंक एंड पाओ 150% बोनस जो कि होता है अप टू 1,05,000 रुपए। एंड गाइस ये ऑफर है सिर्फ न्यू कमर्स के लिए। एंड गाइस आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलेगा ही आपकी प्रॉब्लम्स पे हेल्प करने के लिए। एंड फटाफट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। 6x6 का क्या सीन है भैया? 6x6 का बस आपने एक डिफरेंशियल देना हमें। ओके, लास्ट वाला ठीक है, कन्वर्टर हमारे रेडी हैं ठीक है, और जो हमने 139 किया वो भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है ठीक है। एक दो दिन में उसकी पूरी जो कहानी है 80% 60-80 शो हो जाएगी। चलो, तो मतलब अब हम चला कब पाएंगे, फील कब ले पाएंगे 6x6 की? हमारा 6th टायर थोड़ी आया अभी, नहीं अभी नहीं है, वो भी अरेंज करना है भाई, अरेंज क्या करना है, वो निकल चुका है वहाँ से, देखते हैं कहाँ पहुँचा है एंड आपको सीन दिखाते हैं। और भाई साहब अभी जब तक शाफ्ट आ रही है इसकी तो हम चलते हैं लंच कर लेते हैं एंड आपको सीन दिखाते हैं आगे के। लेट्स गो। The next day. Hello and welcome back to the channel. आप आ चुके हैं एक और वीडियो में। डे टू था कल एक्चुअली, यार हमें थोड़ा सा इमरजेंसी पड़ गई तो वापस आना पड़ा। तो आज आपको सारे सीन दिखाते हैं और ब्लॉग की ना मैक्सिमम लेंथ ट्राई करते हैं पुश करने की। बाकी चलते हैं सीधा लोकेशन पे और वहाँ से आपको सीन दिखाते हैं। और भाई साहब अभी ना मैं पहुंचने वाला था तो मैंने एक दो बातें करनी थी आपसे, मैंने बोला वो कर लेता हूँ। तो भाई साहब यार हमारी जो थार 700 बन रही है ना यार, उसमें सिर्फ मेरा हाथ नहीं है बट हमारी जो अमेजिंग टीम है, मैं ये बोलूंगा कि बेस्ट ऑफ इंडिया हैज गॉट एक साथ हुए हैं सब। हम लोगों ने अपने एफर्ट्स जो है उनको चैनलाइज किया है, बी एट ARC सस्पेंशन, स्वास्तिक फैब्स, गोयल मोटर्स, सतलुज मोटर्स, एक हमारे सुखा भाई भी हैं, और मतलब जितने भी थे इवन मतलब जम्मू से भी जैसे जलंधर मोटर्स, मतलब इन सब ने ना जो बेस्ट बेस्ट काम हो सकता है ना वो सबने करके अपना अपना योगदान देके ना एक बहुत बड़ा मास्टरपीस बना रहे हैं, दो मास्टरपीस बना रहे हैं एक्चुअली, थार 700 और अपना 6x6। ऑफ कोर्स ये वाली गाड़ी भी बनेगी, टैंक थार में भी बहुत सारे चेंजेस होंगे एंड स्कॉर्पियो में भी चेंजेस चल रहे हैं। तो
यार मतलब मैं वही बोलना चाहता हूँ, ग्रेटिट्यूड है हमारी इतनी अमेजिंग टीम का. मैं तो बोलूंगा दिस इज द बेस्ट ऑफ इंडिया. जब मैं सारे जितना भी थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि एआरसी वाले कहीं वहाँ पे हैं, अपना स्वास्थ्य फैब एक नुक्कर पे है, हमारे जम्मू कश्मीर एक नुक्कर पे है, पंजाब एक नुक्कर, मतलब आप समझ रहे हैं. तो इस चीज का बड़ा ग्रेटिट्यूड है यार कि अपने इतना अच्छा काम हो रहा है, यानी इतनी अच्छी गाड़ी प्रिपेयर हो रही है, और वो मेरे लिए नहीं, इन सबके लिए भी उतनी बड़ी अचीवमेंट है. तो ह्यूज शाउट आउट टू ऑल माय ब्रदर्स. बाकी चलते हैं सीधा गोयल मोटर्स यार, वहाँ से सीन दिखाते हैं आपको. इसकी शाफ्ट भी लगानी है, और शाफ्ट में ना हमने एक चीज करवाई है जो कि बड़ी ही काम की चीज होती है, वो आपको बताएंगे वहां पहुंच के. और भाई साहब ये आगे अपनी शाफ्ट, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ये देखो यार, जो इसका योक एंड टीथ है ना, ये बहुत हैवी ड्यूटी, एक्चुअली ये ट्रक से आया है, और ये खरादिया ने ना प्रॉपर इसको वेल्ड किया हुआ है. मतलब ये प्रॉपर इसकी जो जॉब है, जो इसकी स्टॉक शाफ्ट आती है उससे 2 times ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, और इसकी लेंथ भी बढ़ा दी है, क्योंकि हमने ना पीछे शैकल लिफ्ट की हुई है, उसकी वजह से इसकी लेंथ जो है वो ज्यादा होनी चाहिए. तो ये आ गया इसका योक, हाँ ये योक एंड टीथ सेटअप आ गया इसका. तो ये जो चीज है ये जाएगी इसके अंदर, ये देखो, देख रहे हो. और अब इसमें बिल्कुल प्लेन ही होगा यार, ऊपर से इतनी हैवी ड्यूटी हो गई ना, ये देखो इसका साइज, मतलब इससे बहुत कम होता है. ये चीज यहाँ से चेंज हुई है, ये चीज यहाँ से चेंज हुई है, लेंथ इसकी बढ़ गई है. और मेरे जितने भी भाई हैं जिन्होंने पुरानी थार लिफ्ट करा रखी है, उनको ना ये प्रॉब्लम जरूर आती होगी, उनके शाफ्ट में से आवाज़ आती होगी. तो अब इस शाफ्ट से आवाज़ नहीं आने वाली, प्लस ये होगी स्ट्रेंथन, आप जितना मर्जी लोड डालो इस पे गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला है. बाकी यार अभी आगे यहाँ पे वर्कशॉप में इतने दिन से हम गाड़ी को फ्रंट एक्सल से चला रहे थे. एंड आपको एक और चीज दिखाऊं साइड पे, ये देखो गाइस, ये है डिस्क ब्रेक सेटअप हमारी थार का. एंड ये क्या होगा कैसे होगा वो तो आपको अपडेट करता हूँ. बाकी ये देखो. और भाई साहब एक और बड़ी बात बताऊं, इसमें ड्रम भी है और डिस्क भी है. अब मैं आपको बाकी सारी चीज़ें पहुंचता हूं शॉप पे और वहां पे बताता हूं. अभी गाड़ी फिलहाल दे दी है. जैसे मैंने आपको बताया, हम इतने दिन से ना 4H में चला रहे थे, तो आगे वाले एक्सल से ड्राइव कर रहे थे हम इसको. बाकी ये आ गया अपना सॉलिड एक्सल यार, इतना सब कुछ चल रहा है ना. और ये आ गई थी वेंचू बाइक की गाड़ी. एंड चलो अभी चलते हैं वापस, एंड आपको सीन दिखाते हैं. और भाई साहब अभी हम थार को छोड़ दिया है, और अब जा रहे हैं हम ई रिक्शा में. और हमारा भाई आ जा आ जा. क्या आई गए? नहीं वो तो ठीक है, तू ठीक है? हाँ, मैं, आप कैसे हो? बढ़िया है. कोई 2 पंक्तियां कहना चाहता लोगों के लिए? लाइक करो, सब्सक्राइब करो. चलो भाई, वेरी गुड. तो भाई अभी रिक्शा में आया, आज ई रिक्शा की भी टेस्ट ड्राइव लेते हैं. और भाई साहब अभी आ गए ई रिक्शा के अंदर. हाँ जी, ड्राइवर साहब. डर लग रहा है? बहुत ध्यान से भाई. क्यों ध्यान से? क्यों? इसकी ब्रेक नहीं है. ब्रेक नहीं है? तूने मेरे को पकड़ा दी, ब्रेक नहीं है तो. वेरी बैड, वेरी बैड. चलो गाइस लेट्स गो. ट्रक वाला रुक जा, रुक जा, रुक जा. सच में इसकी ब्रेक नहीं है? सच में ब्रेक नहीं है? नहीं चलाता कैसे बिना ब्रेक के? भाई इसकी ब्रेक ही नहीं है, चलाएंगे तो ऐसे ही. क्या मतलब बच जाएंगे किसी को? जाऊं तो भाई साहब आ गए गोयल मोटर्स. बाकी ये देखो, ये करना पड़ता है. बाकी आपको सीन दिखाते हैं अंदर से. भाई साहब अभी अंदर यार सारी बातें चल रही थी, इतने में मैंने बोला मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा जो डिफ होने वाला है अपनी थार के पीछे. और ये डिफ की क्वालिटी देखो यार एक बार, इसमें देखो ये जो ये आ गई ना डिस्क ब्रेक, ये आ गई पीछे की डिस्क ब्रेक. और ये जो चीज़ है ये है इसका ड्रम. तो ड्रम के अंदर जो इसका लेदर होता है ना वो काम करते हैं हैंड ब्रेक का. एंड सबसे एक बात, जो हमने आपको वहां पे अपनी वो दिखाई ट्यूब वो थी विदाउट ABS, और ये है विद ABS. ये इसका सेंसर खोला हुआ है, इसमें ABS भी आता है साथ साथ में. हमारी जो थार 700 है क्योंकि उसमें ABS है, तो ABS उसमें काम करने वाला है. बाकी ये पूरी की पूरी ट्यूब ले ली है. एक और आपको चीज बताऊं, इसके अंदर शायद लॉकर भी आ जाएगा पीछे वाला, एंड जो कि ऑपरेट होगा एक न्यूमेटिक किट से. बाकी चलो आपको सीन दिखाते हैं यार. और भाई साहब अभी चल रहे हैं हम लोग अपनी थार 700 की तरफ. अपना जो पिछला डिफरेंशियल है ना वो आ रहा है वहीं पे, तो आपको वहाँ पे एक बढ़िया सा सिर्फ थंबनेल लेने के लिए पूरा डिफरेंशियल वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से वापस आएगा. तो वही व्लॉगिंग आसान नहीं है, इसका ही मतलब है. बाकी इसकी शाफ्ट लग गई है यार, गाड़ी इतनी स्मूथ हो गई है ना, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ जमीन आसमान पर फर्क आ गया. बाकी चलो यार सीधा लोकेशन पे पहुँचते हैं, फिर आपको सीन दिखाते हैं. और भाई साहब अभी आपको पता क्या हुआ हमें? भाई फिर से पुलिस वाले ने पकड़ा, बट आज इतने टाइम के बाद ना फर्स्ट टाइम पकड़ा और फिर जाने दिया. मतलब यार पंजाब की पुलिस है ना जो, सही है भाई, उनको पता है यार हम कोई ड्रग्स नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे. कहते हैं ठीक है यार, शौक से गाड़ी तैयार करवाइए, चलाओ और जान देते. इतना ही अगर जम्मू में होता ना इस टाइम पे, तो इस टाइम में 4 बार गाड़ी सीज हो गई होती, और इतने फ्रीली हम घुमा रहे हैं यार इसको. ऐसा जम्मू में पॉसिबल नहीं है. ये चीज़ ना पंजाब की मुझे बहुत पसंद आती है, यहाँ पे एटलीस्ट इस कल्चर को ना फॉलो करते हैं. इवन मैं आपको बताऊँ, एक मैंने पुलिस वाली जिप्सी देखी थी जिसके अपने ही टायर बाहर थे. तो इतना जब शौक है देखो, क्योंकि टायर बाहर अब अच्छे लगते हैं पुरानी थार में, तो स्टॉक टायर बहुत बहुत बेकार लगते हैं. तो इस चक्कर में, बट चलो क्या जस्टिफाई करना, जो है तो गलत है तो गलत ही है.
बट एनी विच वेज पंजाब की पुलिस बहुत कूल है भाई, बहुत चिल है, चिल। और भाई साहब फिलहाल पहुंच गए थे हम लोग सतलुज डिजाइंस, तो अभी यहाँ पे आपको एक दो चीजें पहले मैं दिखा दूं। ये हमने मंगवाया है महिंद्रा जेन्युइन, ये देख सकते हो इसका पार्ट नंबर एंड कॉस्ट। ये आ गया भाई हुड के जो कैचर होते हैं ना नई थार के, ये वो हैं भाई, ये लग जाएंगे, ये देखना पड़ेगा। चलो भाई ये भी देखेंगे, मतलब 90% चांस है कि लग ही जाए। अब ऊपर नीचे हुआ तो फिर दूसरे वाले लगाने पड़ेंगे, बट ये छोटी सी चीज है, देखना कितना वैल्यू एड करेगी। ये देखो सुंदर लग रही है ना। तो बाकी इसका पिछला बम्पर जो है वो बन गया है डाई में से, ये वाला जो सामान है ये निकल चुका है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको इन अ मोमेंट। फिलहाल अभी अपना जो बम्पर है हमने खुलवाया है किस लिए, आपको दिखाने के लिए कि यार ये कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। ये देखो ये हमारी चेसी, इसके ऊपर हुई ये वाली प्लेट बोल्ट जो हमारा जो वेट है ना डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो फोर्स लगेगी तो जो वेट आएगा वो थ्रू आउट द चेसी डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके ऊपर है ये वाली मोटी, ये कितने एमएम की भैया, 4 mm की प्लेट है जिसके ऊपर हमारा पिंटल हुक जो है वो लगेगा, और ये चीज इससे वेल्ड है। अच्छा अभी और सपोर्ट लगनी है। ऐसा ये आ गया अपना बम्पर, अभी इसके साइड के जो पॉइंट्स हैं वो बनने हैं एंड हाँ फेंडर के हिसाब से, एंड साथ साथ में इसमें दो तीन और भी चीजें हैं जो लगेंगे। और भाई साहब फिलहाल गोल्डन आर में यार एक बढ़िया सा थंबनेल लेते हैं, पिछले बम्पर के साथ ना गाड़ी बिल्कुल मॉन्स्टर हो गई है, एंड साथ में ना अब जो सस्पेंशन के बिट्स हैं वो ज्यादा क्लियरली दिख रहे हैं, और जो पिंटल मुझे जहाँ पे चाहिए था एग्जैक्टली वहीं पे आ गया। एंड अभी साथ साथ जो इसका टायर कैरियर लगेगा ना उसका बम्पर से कोई लेना देना नहीं है, वो सीधा चेसी के साथ लगेगा, यहाँ से ये बम्पर इतना कट जाएगा। अभी बम्पर का यहाँ से ऐसे ये चीज़ कटेगी, ये चीज़ ऐसे जाएगी, यहाँ से आँख बनेगी ऐसे करके, और इस चीज़ को भी थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, एंड साथ साथ में फिर आगे का फेंडर जो है वो तो लास्ट में करना है। एंड जो भी फ्रंट बम्पर है ये तो अच्छा लग रहा था यार, मगर ये जो चीज़ है ना इसकी ये हम लोग चेंज करेंगे। ये अभी 1.5 इंची की पाइप है, हम 2.5 इंची की लगाएंगे, एंड साथ साथ में यहाँ पे थोड़े जो वो रिकवरी पॉइंट्स हैं वो भी देंगे जिसमें शैकल्स लगते हैं ना वो वाले। बाकी फॉग लाइट भी लग जाएगी, ग्रिल और बोनेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा, थोड़ा काम डिले हो गया यार, बट क्या करें हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी एक और चीज़ आपसे जो मैंने शेयर करनी थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने गेस करना है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। देख रहे हो पीछे से गाड़ी थोड़ी सी उठी हुई है, आगे से थोड़ी सी डाउन है। आपको एक आइडिया दूं ऐसा ही कुछ, अब इसका मतलब क्या है वो आपने गेस करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी यार इनसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना काम जल्दी करें, बट आपको पता है हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होता है, घर से दूर इधर उधर ट्रैवलिंग चल रही है दिल्ली, बाकी भाई इतने एफर्ट्स कर रहे हैं इतना वो कर रहे हैं, तो आप बस एक सब्सक्राइब कर दो, अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखो यार। अपनी जो ऑडियंस है ना वो सबसे अलग है यार, मतलब सेंसिबल ऑडियंस है। बाकी ये तो प्रोजेक्ट हमारा था ही नहीं, बट ये भी ले लिया एज अ प्रोजेक्ट, एंड अभी इसका ना यार मतलब मैं क्या बताऊँ यार, मतलब बहुत दुखी होता हूँ जब यार पार्ट जो काम हम करने जाते हैं वो होता नहीं है। बाकी इसके आगे के टायर भी 2 इंच बार, पीछे के 4 इंच बार, मतलब अभी जैसे है ना अभी इसमें 2 इंच के स्पेसर लगे हैं, ये 2 इंच और बाहर, और उसमें स्पेसर नहीं लगे हैं वो 2 इंच बाहर जाएगा। एंड साथ साथ में भाई जो इसके बोनेट के पार्ट्स हैं वो फाइबर वाली डाई में से निकल के आ चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आ गया भाई अपना जो बोनेट का पार्ट है, जो स्क्रीन के ऊपर वाला मेटल वाला पार्ट होता है ना उसमें लगेगा, तो ये मतलब सीधा बोनेट को नहीं बजने देगा। एंड ये उसके हुड स्कूप्स जो आएंगे उधर, एंड साथ साथ में ये आ गया वाइपर वाला पार्ट, इधर से आएगा वॉशर जिस पे पेंट शेंट हो गया, ये फाइबर में से देख सकते हो बन के आ गए। एंड वेट कर रहे हैं सीधा डिफ का, उसके बाद सीधा खींचेंगे थंबनेल और आज के ब्लॉग को करेंगे एंड। और भाई ब्लॉग में यार 6x6 के लिए आपको कुछ देखने को नहीं मिला क्योंकि मैं लेट हो गया था ऑलरेडी, एंड 6x6 का जो डिफरेंशियल है लास्ट वाला थर्ड मतलब वो आ चुका था, हमने जो बीच वाला डिफ है उसको बिठा दिया। कैबिन का काम अभी आई थिंक स्टार्ट नहीं हुआ यार, वही मैं बता रहा हूँ यार मेरे पे डिपेंड नहीं करता है, हम तो पैसे एफर्ट टाइम सब कुछ लगा रहे हैं बट फिर भी मेरे पे डिपेंड नहीं करता है यार। किसी दिन अपनी वर्कशॉप होगी तो उसमें मैं प्रेफर करूँगा कि कभी भी किसी क्लाइंट को इतना वेट ना करना पड़े जो स्पेशली आए आउट स्टेशन से। बाकी चलो यार क्या करें, सारे दिन अच्छे नहीं होते, कुछ दिनों में गड़बड़ भी होती है। बाकी 2 दिन के लिए मैं गया था और पीछे से लिटरली कोई काम नहीं हुआ है कहीं पे भी। बाकी करते हैं सीन्स को वाइंड अप एंड बुलाते हैं जल्दी से अपने डिफ को, देखते हैं कहाँ पहुँचा है कैसे पहुँचा है एंड आपको सीन्स दिखाते हैं। और भाई साहब ये अपनी पीछे नंबर प्लेट ऐसे रख के देखिए कि कैसे लगने वाली है। बाकी मैं सोच रहा हूँ यार वहाँ पे ना एक सॉर्ट ऑफ एन ऑक्सिलरी लाइट लगा लूँ, या तो मैं वहाँ पे ना इतना सा फुटस्टेप बना लेते हैं। अब वो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसे करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, बट वो भी सही नहीं लगेगा ना, देखते हैं अब क्या करना है। वो देखो जैसे उसमें बना हुआ है बीच में वैसा साइड पे दे सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता वो अच्छा लगेगा। लाइट ही लग रही है जो समझ आ रही है मोटा मोटा मुझे, सिंगल लाइट बट अजीब लगेगी।
पर चलो देखते हैं एनीवे क्या बनता है। 2000 years later. और भाई साहब एक थंबनेल के लिए स्पेशली हमें ऑटो जो है वो रेंट करवा के लाना पड़ा एंड साथ साथ जो अपना डिस्क है और पिछला जो एक्सल है उसका सेटअप आ गया। अभी इस पे थोड़ा सा ग्राइंडर मरवा के एक सुंदर सा थंबनेल लेते हैं और फिर आपको सीन दिखाते हैं। भाई साहब अभी हम क्या करते हैं आपको डिफरेंस दिखाते हैं थार के एक्सल भैया इसके अंदर के ड्रम से दूसरे अंदर के ड्रम को नापना। इनको हम ना गाइड को दिखाएं जरा कि देखो भाई केशव भाई की डेडिकेशन देखो गाड़ी के नीचे घुस रहे हैं सिर्फ और कुछ बिछाना था नीचे। अरे तो भाई साहब अंदर से ड्रम नाप रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड कितना है 51 है ना 51 आ रहा है वो देखो गाइस 51 इंचेस। अब इनको गाइस को हम दिखाते हैं कि उसका कितनी है विड्थ। तो भाई साहब अब आपको हम ना उसकी विड्थ से दिखाते हैं अंदर डिस्क के एक डिस्क के एंड से दूसरे डिस्क के एंड तक। ये देखो गाइस अब आपको समझ आया ये यहाँ पे ऐसा ना 59 इंच तो ये आ गया पीछे से रेयर जो एक्सल है ना वो बाहर आ जाएगा। बट ये कि ड्रम थोड़ा चौड़ा होता है तो मतलब वो रफली ना ये 55 इंच पे आएगा मतलब ड्रम जो है यहाँ से स्टार्ट होता था तो ये उससे 2 इंच बड़ा हो गया मोटा मोटा। तो भाई ये देखो यार इस सब के लिए किया है हमने ये सब बट बात बन गई। और भाई इस सब के लिए इसके साथ साथ हमें एक और एडवांटेज आ गया रेयर डिस्क ब्रेक। और आपको पता है इस चीज़ के अंदर ड्रम है तो हमारी हैंड ब्रेक जो है वो एक नंबर चलने वाली है। ये चीज़ें पूरी की पूरी कट जाएंगी भाई ये चीज़ और यहाँ पे लीफ स्प्रिंग के माउंट्स लगेंगे और फिर लगेगा अपनी थार में ये। और भाई साहब जैसे मैंने आपको बताया था सिर्फ एक थंबनेल के लिए यार इतनी मेहनत हुई क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको सिर्फ क्वालिटी दिखाना क्वालिटी के अलावा ना मेरा मन नहीं करता है आपको। बट ये इमेजिन करो ये टायर 2 इंच और बाहर आने वाला है फिर बम्पर घूमेगा फिर जो इस गाड़ी की लुक आने वाली है ना वो आने वाली है नेक्स्ट नंबर। और भाई साहब ये था आज का व्लॉग जो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एक छोटी सी आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आज मैं आपको 6x6 की अपडेट नहीं दिखा पाया बट ट्रस्ट मी गाइस आपको मैं दिखाऊंगा। ये दोनों प्रोजेक्ट्स मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए स्टार्ट किए हैं। अपना प्यार और सपोर्ट बना दो एंड लव यू ऑल एसक्यूबी फैमिली थैंक यू फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब। और भाई साहब वैसे तो हमने व्लॉग कर दिया था एंड बट जब हमारे भाई आए मिलने तो उनको हम व्लॉग में कैसे ना लें क्या हाल है कैसे लग रहे हैं व्लॉग सबको फिर आप ही बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए सारे सब्सक्राइब करो फॉलो करो शेयर करो व्लॉग जितने ज्यादा बाय बाय।